ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट या वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजिली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को, ठीक है। तो उसके बाद जाना आप सभी को ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को करना है कि आप सभी को इस ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहां से आपको अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, यहां पे मैंने मॉडल का जो बैकग्राउंड है पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिस भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने उसके ऊपर अभी एक रिसेंटली एक मजेदार सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया आप लोगों को। तो गाइस, जाके आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो बाकी यार, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो देख लेना। एंड इसके बाद आप सबको करना क्या, यहाँ पे मॉडल को सेट कर लेने के बाद आप सबको एक मिट्टी लेयर बनानी है। एंड जो लेयर बनाओगे उसको आपको अपने मॉडल के नीचे ले जाना है। एंड यहाँ पे आपको ब्रश के साइज में जाना है। एंड उसके बाद आप सबको ओपेसिटी को अराउंड 14 तक रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको जिस टाइप से फटाफट नीचे की तरफ शेडो बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या करना है मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, इसलिए दिखेगा यहाँ पे तो इतनी शेडो तो बन चुकी है। तो आप सबको एक लेयर और बनानी है, जो ये वाली लेयर है इसको आपको मॉडल के ऊपर ही रखना है। एंड जो है जिसका जो अमाउंट वगैरह है उसके जो ओपेसिटी इसको आपको कम कर लेनी है, अराउंड 9 तक रख लेना है। एंड उसके बाद आप सबको ऊपर ही ऊपर अपने हर जगह मतलब कि जहाँ जहाँ तक मतलब बैठे हो आप वहाँ तक आप सभी को शेडो बनानी है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, तो गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ शेडो बनने के बाद। तो गाइस देखिए, ये ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। तो आप देखना देखिए कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है, शेडो की वजह से। तो गाइस, शेडो अच्छे से एकदम क्रिएट करना, थोड़ा आराम से करना। एंड यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा था, तो आप लोग लेकिन आराम से करना, काफ़ी अच्छी तरीके से शेडो बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर आगे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना दोबारा से ऐड फोटो में, ठीक है। तो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है। तो इसको इस पीएनजी को आप सभी को कुछ इस टाइप से लगा देना है, फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस टाइप से पूरा और स्क्रीन कर देता हूँ। एंड उसके बाद आप सबको कुछ ऊपर की तरफ ले जाना है इसको, एंड कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया फोटो में इस पीएनजी की वजह से। तो यहाँ पे आप सबको करना क्या, एक पीएनजी का और यूज़ करना है। तो उसके लिए हम ऐड फोटो में जाएंगे और ये वाला जो पीएनजी इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे, ये पूरा फिट हो जाएगा हमारे फोटो में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। एंड इसको जो फेस पे एरिया आ रहा है पहले उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज कर लिया। एंड उसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी आप सबको कम कर लेना है, ठीक है, ओपेसिटी कम रखनी है इसकी। एंड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो अराउंड 44 तक कुछ रख लेना है। एंड यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको अब जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। रिजर टूल में जाना, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज को थोड़ा इतना छोटा रख लेना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर पूरी बॉडी को ऊपर डोजन बन करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे कि मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको डोजन बन के बारे में अगर वीडियो चाहिए या फिर आप सभी को देखनी है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा वो वाली भी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। एंड बाकी चलिए गाइस, यहाँ पे तो हमारा डोजन बन हो चुका है, तो क्या करना है, हमें इसका अराउंड कुछ ओपेसिटी जो है 25 तक कुछ रख लेना है, ठीक है। तो साइड में जो एरिया गलती से रह गया तो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को कर देना है डन, ठीक है। तो गाइस, अब बात आते हैं हमारी कलर करेक्शन की। तो हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से चलते बैक, एंड ऐसा हम अपने लाइटरूम मैप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमने लाइटरूम मैप को ओपन कर लिया, एंड हमारी फोटो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो अब आप सभी को करना है कि आप इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद आप सभी को हाईलाइट है जिसको भी बढ़ा देना है, शेडो को आपको थोड़ा बढ़ा देना है, जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है, ब्लैक है जिसको भी कम कर देना है। तो अब आप सभी को जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को चाहो तो माइनस कर देना है, बाकी आपको जाना मिक्स टूल में, ऑरेंज को सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड येलो कलर में जाना इसका ह्यू माइनस कर देना है, ठीक है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसको जाना स्काई ब्लू ऑप्शन में, सॉरी डार्क ब्लू में, एंड उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसको जाना नीचे टूल में, एंड जो फोटो क्लियरिटी आप सबको उसको बढ़ा देना है, एंड जो विग्नेट आपको उसको हल्का सा डाल देना है, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करो तो ग्रेन अमाउंट मिलेगा, उसको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है उसको बढ़ा देना है, एंड जो नो डिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो डिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो जो गाइस फाइनल रिजल्ट जो हमारी फोटो का है वो आप सभी के सामने। तो आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा यार कि हम 10 के सब्सक्राइबर कितने करीब हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।